वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। आपको मालूम है कि पर्सनैलिटी थ्योरीज को पूरा करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है और उसमें पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज डिफाइन करते हैं एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। एंजाइटी यानी चिंता। चिंता एक ऐसा शब्द है जिसको सभी लोग भलीभांति जानते हैं। आज के इस दुनिया में सभी की अपनी अपनी तरह की चिंताएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग कुछ हद तक परेशान भी रहते हैं, और ये स्तर सभी का अपना अपना होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल ये बात करेंगे कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार एंजाइटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, आ फीलिंग ऑफ फियर विदाउट एन ऑब्वियस कॉज। लोगों में क्या होता है, एक डर होता है जिसका रियल या ऑब्वियस कॉज उन्हें खुद पता नहीं होता है कि वह क्यों डरते हैं, उन्हें खुद उसका पता नहीं होता है। और साथ ही साथ आप ये भी जानिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, जो एंजाइटी होती है वह पर्सनैलिटी थ्योरी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं और सभी का एक अपना अपना व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व निर्माण में एंजाइटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिस तरह की ज़्यादा एंजाइटी होगी, उस तरह से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह भी अच्छा या बुरा होगा। और देखिए, लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोटिक एंड न्यूरोटिक बिहेवियर, यानी एंजाइटी की वजह से ही व्यक्ति में साइकोटिक और न्यूरोटिक बिहेवियर डेवलप होते हैं। यानी व्यक्ति बहुत तरह की मानसिक संघर्षों से घिर जाता है और चीज़ों को नहीं समझ पाता है, और उसमें बहुत तरह के न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने अपने थ्योरी में तीन तरह की एंजाइटी को डिफाइन किया है, जिसमें रखा है नंबर एक पे रियलिटी एंजाइटी यानी वास्तविक चिंता, नंबर दो पे रखा है न्यूरोटिक एंजाइटी यानी तंत्रिका तापी चिंता, और नंबर तीन पे रखा है मोरल एंजाइटी यानी नैतिक चिंता। तो आप इनके नाम से ही इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लिखा है रियलिटी एंजाइटी यानी वास्तविक चिंता, तो वास्तविक चिंता क्या होती है? वास्तविक चिंता का मतलब होता है कि अगर रियली में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे व्यक्ति को डरना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे आग लगी है और व्यक्ति उस आग में घिरा हुआ है, तो सीधी सी बात है व्यक्ति को डर लगेगा। अगर कोई व्यक्ति तूफान में फंस गया है तो उस व्यक्ति को उस कंडीशन में डर लगेगा। यानी ऐसी कंडीशंस जहाँ पे रियली में व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए, वो सभी वास्तविक चिंताएँ होती हैं, और इसको सभी व्यक्ति फेस करेंगे अगर वो इस तरह की कंडीशन में होंगे। और इसके बाद देखिए, इसके बाद नंबर टू न्यूरोटिक एंजाइटी। इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड फॉर इड डोमिनेटेड बिहेवियर। देखिए, आपने इड ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ा है, और आप जानते हैं इड की जो डिमांड होती है वो मोस्टली इमोरल होती है, एंटी सोशल होती है, और मोस्टली सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, तो इस तरह की व्यक्ति में डिमांड होती हैं। तो जो इड डोमिनेटेड बिहेवियर होता है उसको कहीं ना कहीं पनिश होने का डर रहता है, उसे लगता है कि उसे कहीं से पनिशमेंट ना मिले, उसे इस बात का डर रहता है ईगो से या सुपर ईगो से किसी तरह से उसको पनिशमेंट ना मिले। तो इस तरह का एक अनकॉन्शियस फियर होता है, यानी वो खुद नहीं समझता है और उसमें व्यक्ति में डर होता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर भी होने लगते हैं, और इसी चीज़ को न्यूरोटिक एंजाइटी कहा जाता है। और इसके बाद नंबर थ्री मोरल एंजाइटी यानी नैतिक चिंता। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो एड होता है और जो सुपर ईगो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। आपको याद होगा कि जो ईगो होता है वो क्या करता है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है ना, और जो सुपर ईगो होता है क्या होता है, जो सुपर ईगो होता है वो किस पर आधारित होता है, वह हर कार्य को मोरलिटी यानी नैतिकता के आधार पर करना चाहता है। इसलिए ईगो और सुपर ईगो में संघर्ष छिड़ जाता है, और सुपर ईगो कहता है कि हर कार्य को मोरलिटी यानी नैतिकता के आधार पर किया जाए, जबकि ईगो किसी भी तरह से उसको रियलिटी पर करना चाहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर
इड और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से नैतिक चिंता यानी मोरल एंग्जायटी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात समझनी है कि जो मोरल एंग्जायटी होती है वो डिपेंड करती है कि सुपर ईगो कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। यानी व्यक्ति में जितना ज़्यादा सुपर ईगो डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा व्यक्ति में मोरल एंग्जायटी होने की आशंका रहती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं सुपर ईगो टोटल मोरलिटी पर आधारित होता है, मोरल बेस्ड होता है ना। तो अगर किसी का सुपर ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप है तो वह ज़्यादा मोरलिटी की बात करेगा, और अगर लेस डेवलप है तो कम मोरलिटी की बात करेगा। यानी अगर सुपर ईगो बहुत ज़्यादा डेवलप है तब मोरल एंग्जायटी ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, और अगर ज़्यादा डेवलप नहीं है तो मोरल एंग्जायटी कम रहती है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि जो मोरल एंग्जायटी होती है वो डिपेंड करती है सुपर ईगो कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। और ये जितनी भी तरह की एंग्जायटी होती है उसको कम करने के लिए ईगो लगातार संघर्ष करता है, और इसीलिए एक नई स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। यानी जो ईगो होता है वह किसी भी तरह से अपना डिफेंस करना चाहता है, अपनी सुरक्षा करना चाहता है। इसलिए यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है डिफेंस मैकेनिज्म। क्या? डिफेंस मैकेनिज्म, और इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये होता क्या है। ईगो ट्राइज टू डिफेंड इट्सेल्फ बाय डैनियल्स इन एवरीडे लाइफ। आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा है उनके साथ, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह से अपनी बात को मोड़ के कहना चाहते हैं या अपने आप को उस चीज़ से वो निकालना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जो उनका ईगो होता है वह अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करता है, और ऐसा मोस्टली सभी के लाइफ में होता है, कोई भी व्यक्ति हो। बस हो सकता है कि हम कभी समझ पाएँ कभी ना समझ पाएँ। तो देखिए जब भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर एक है यहाँ पे, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पर कार्य करते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पर। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अचेतन स्तर पर होते हैं। कैसे? अचेतन स्तर पर होते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करने से व्यक्ति जो रियलिटी होती है उसका परसेप्शन नहीं कर पाता है, यानी उसका परसेप्शन अच्छे से नहीं कर पाए, इसके ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो उसका जो ईगो होता है वो अनकॉन्शियस लेवल पर ज़्यादा कार्यरत रहता है और हम नहीं समझ पाते हैं, और उसके बाद रियलिटी को भी अच्छे से परसेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये दो बेसिक बातें आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने एवरीडे लाइफ में प्रयोग करता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपसे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेशन यानी दमन के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं दमन, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति उन चीज़ों को अनकॉन्शियस में ले जाना चाहता है जिनको व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, यानी अपनी जो विशेष है उसको रिप्रेस्ड कर लेता है, और इसीलिए इसको सिलेक्टिव फॉरगेटिंग कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज़ को भूलना चाहता है ना। यानी जो उसके कॉन्शियस लेवल पर जो डिजायर थी उसको अनकॉन्शियस पे ले जाने का प्रयास करता है, इसलिए इसको हम लोग सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कह सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ पूछा जाता है कि सिलेक्टिव फॉरगेटिंग क्या है, तो आपको बताना है यह एक डिप्रेशन है, या फिर डिप्रेशन में क्या होता है, सिलेक्टिव फॉरगेटिंग होता है, सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कह सकते हैं। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और नंबर टू की बात करते हैं यानी रिएक्शन फॉर्मेशन, इसको कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति अपनी रिप्रेस्ड विश को यानी अपनी उस इच्छा को जो उसको रिप्रेस कर चुका था, उस इच्छा को कॉन्शियस लेवल पे दोबारा से एक्सप्रेस करता है, बट कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में, यानी उसके अपोजिट बोलता है। जैसे मान लीजिए पहले कोई लड़का चाहता था कि उसकी किसी पर्टिकुलर लड़की से दोस्ती हो जाए, लेकिन जब वह असफल रहा तो कहीं ना कहीं वो बात उसके अनकॉन्शियस में गई, लेकिन बाद में वो क्या करता है, बाद में
उस बात को कॉन्शियस लेवल पर लाता है और कहता है अरे नहीं वो लड़की सही नहीं थी, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन करता है, प्रतिक्रिया का निर्माण करता है। तो इस तरह से आप इस बात को याद रखिएगा। अब नंबर थर्ड की बात करते हैं, इसमें कहा गया रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। तो इसमें क्या होता है, रिवर्जन ऑफ द ईगो टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर जब व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पाता है तो वह अपनी पुरानी स्टेज में पहुंच जाता है, अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाता है, ताकि अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी जो बड़े उम्र के व्यक्ति होते हैं वह छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, खेलना चाहते हैं, एकदम छोटे बच्चों जैसी बात करते हैं या हंसते हैं, उस तरह से बिहेव करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो छोटे बच्चों के कपड़े पहन लेंगे और इस तरह से खुश रहते हैं, ऐसा भी होता है। हो सकता है अपनी लाइफ में आपने ऐसा ना देखा हो, बट ऐसा होता है। यानी वह अपना संघर्ष कम करने के लिए, वह अपना संघर्ष कम करने के लिए अपनी अर्लियर स्टेज में चले जाते हैं, ताकि वो थोड़ा सा हल्का फील कर सकें। इसके बाद देखिए प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। इसमें क्या होता है, अनवांटेड फीलिंग्स आर डिस्प्लेस्ड ऑन अदर, यानी किसी की जो अनवांटेड यानी जिसको चाहता नहीं है, उस तरह की जो डिजायर्स होती हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो दूसरों पर उसको डिस्प्लेस्ड कर देता है, दूसरों पर उसको प्रक्षेपण कर देता है, इसलिए इसका नाम भी प्रक्षेपण रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरी मैथमेटिक्स में बहुत कम नंबर आए हैं क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स के सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, है ना, यानी उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो बात थी, उसने उसको दूसरे पर आरोप लगा दिया कि ये उनकी वजह से ऐसा हुआ है। ओके, और इसके बाद देखिए बात करते हैं नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बारे में। इसमें क्या होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्लेस्ड ऑन अदर, यानी किसी के जो मानसिक संघर्ष होते हैं उनको दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है। वो किस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में कोई एक बड़ा बच्चा है, घर में एक बड़ा बच्चा है, अगर उसके पिता ने उसकी डांट लगा दी तो क्या करेगा, वो अपने से छोटे वाले की डांट लगाएगा, है ना। यानी क्या कर दिया उसने, यानी उसका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था उसने दूसरे पर उसको डिस्प्लेस कर दिया यानी विस्थापित कर दिया। ओके, इसके बाद बात करते हैं रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण के बारे में। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरिंग एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और फीलिंग इन अ रेशनल और लॉजिकल मैनर। इसमें व्यक्ति किसी इरेशनल बात को यानी जो अतार्किक बात होती है उसको रेशनल बनाने का प्रयास करता है, यानी उसको तार्किक बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से इसीलिए इसका नाम रखा गया है यौक्तिकरण। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ओके, इसका एक छोटा बच्चा है, ये व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है किसी जगह पे, ओके, और अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वह उसको बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। तो वह क्या क्या बोलता है, वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, जो ज़्यादा बड़े स्कूल होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस होती है, वहाँ पर सब दिखावा होता है, वो केवल अमीरों के काम है, वहाँ पर हर चीज़ का दिखावा होता है, असलियत में पढ़ाई नहीं होती है ना। या फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पैदल चलना बहुत ज़्यादा लाभदायक है ना, हो सकता है वो व्यक्ति इस बात को इसलिए कह रहा हो क्योंकि उसके पास चलने के लिए वाहन नहीं है, है ना, हो सकता है उसके पास थोड़ा सा उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा ना हो, इसलिए वह यौक्तिकरण करता है, भले ही उसके मन में बात है कि यार कुछ तो होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, बट उस बात को वो तार्किक तरीके से कहता है, नहीं इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, है ना। तो इसी तरह से लोग अपने दैनिक जीवन में अपने अपने तरीके से बहुत सारी बातों को बताते हैं, बनाते हैं, और अपने ईगो को कैसे भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं और अपने मानसिक संघर्ष को कम करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को समझना है, इसके बाद हर चीज़ को अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करें। और एग्ज़ाम की बात कहें तो यही सारी जब बातें हैं जो मैंने डिफाइन की हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन क्रिएट करके आपसे आंसर पूछे जाते हैं। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सामने एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें
मोस्टली उस तरह के क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट किए जाएंगे जो कि पूछे जा सकते हैं, या फिर जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को और आसानी से समझ सकें। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।